Hello, hello, hello. I welcome you to Soul Stereo, my people. Thank you, guys. My old joiners, I love you guys. New joiners, thank you for supporting, liking, sharing, subscribing. And चलिए देखते हैं what's coming up. Description में information है मेरी, देख लीजिएगा. और आपके टीम के लिए बहुत आभार. I love you guys. Keep in mind that your subscribe makes a lot of difference. मैंने देखा है बहुत से लोग देख रहे हैं readings. व्यूज आते हैं, एनालिटिक्स में नज़र आता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन आप वो बेल आइकॉन नहीं दबाते हैं. प्लीज़ दबा दीजिएगा, बिकॉज वो एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत हेल्प करता है, वो बी ग्रेट. चलिए डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन रीडिंग डाल रही हूँ, जैसे भी है, जिसके साथ भी रेजोनेट करे. टाइमलेस रीडिंग है, कुड बी नो कॉन्टैक्ट यू वर्सेस देम. अर्जेंट मैसेज सुनना चाहते हैं, अभी आ रहा है. देखते हैं फीलिंग्स हैं क्या है, लेट्स सी. अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो. ये सॉन्ग दे रहे हैं. वेटिंग गेम ऑन है, क्यों है, लेट्स सी. देयर इज अ व्हील हियर, जुपिटर एनर्जी. यहाँ क्या चल रहा है, कुछ बदल रहा है या कुछ साइकिल्स में रहा है सिचुएशन. सो लेट्स सी, इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं, फिर मैं बात करती हूँ. We have the Six of Swords. कि peacemaker वाला काम जो है वो करते करते कोई थक गया है. Someone is trying to make peace with the situation. ऐसा क्यों है और इसका outcome क्या है. पर ये change आने वाला है. अगर आप conflict में थे, आपको लग रहा था reconciliation नहीं होगा, बात नहीं होगी, या वो बात नहीं कर रहे हैं, या आप बात नहीं कर रहे हैं, understand नहीं कर रहे हैं दूसरे को, वो आपके बारे में ना जाने क्या सोचते हैं या आप क्या सोचती हैं, जैसे भी आपसे resonate कर रहा है, आई थिंक वो बदलने वाला है, बिकॉज द व्हील इज हियर. ठीक है, ये चेंज हो रहा है, बट उसकी आउटकम आप निकालते हैं. एम्प्रेस, ओ माई गॉड, बहुत ही फुलफिलिंग, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सुपर आउटकम है ये, जिसके अंदर देयर इज फॉरवर्ड गोइंग इन दिस रिलेशनशिप, प्रोवाइडेड आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे से हाथ टू हाथ कम्युनिकेट करें, थोड़ा सा फ्लर्ट करें, थोड़ी सी बातचीत करें, एक दूसरे के साथ जजमेंटल ना हो. बिकॉज यहाँ पैसा शायद एक रोल प्ले करता है, जो आपको कोशिश करनी चाहिए अवॉइड करने की, बिकॉज अगर आप वो नहीं करते हैं तो सिचुएशन बदल सकती है. बट लाइक आई सेड, बहुत ही बड़ा चेंज यहाँ आने वाला है. जितनी झगड़े, जितनी लड़ाइयाँ या जितनी बातचीत नहीं हो रही थी, वो सब चेंज होने वाला है. बिकॉज यहाँ पे दे आर गोइंग टू कम फॉरवर्ड टू यू, टॉक टू यू, या आप उनको कॉल या टेक्स्ट या मैसेज करेंगे. बिकॉज एंड आई थिंक मैंने एक शॉर्ट भी डाला रिसेंटली, जिसके अंदर यही था कि ये डेफिनेटली चेंज होने वाला है. और इन सम टाइम, बाय द टाइम न्यू मून इन जेमिनी हिट करता है, तो आप इस फीलिंग से निकल जाएंगे. चलिए इसका हम देखते हैं. फाइनल लव, दैट्स टू मैनी. बहुत सारे कार्ड्स हैं, सो एक ही कार्ड हमें चाहिए. और मैं फैंसी कैप्शन नहीं देख सकती हूँ, जैसे मैसेजेस आएंगे वैसे ही बात करूंगी. सो कोको सिंह, मिठू मिठू लड़ा लाए. बहुत से कार्ड दे रहे हैं, बट चलिए एक ले लेते हैं. दैट्स द फूल कार्ड. सो बेसिकली टेक दैट लीप ऑफ फेथ, वो बहुत ज़रूरी है. सो ऐसा होता है ना कि जैसे, मुझे नहीं पता है कि आपने ये सुना है कि नहीं सुना है, बट वो लीप ऑफ फेथ रखना बहुत ज़रूरी है. और आप यू नो, अगर उनमें ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, तो हैव दैट फेथ इन देम कि चीज़ें बदल जाएंगी और इस रीडिंग को क्लेम करेगा. बिकॉज यहाँ पर वो चेंज वो दिखा रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग शायद रिस्टोर हो रही है, और शायद वो समझ रहे हैं कि ये करना बहुत ज़रूरी है इन द गिवन सिचुएशन एंड द गिवन टाइम. ध्यान रखिएगा, ये आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी दोनों की हो सकती है. मैं तीन कार्ड अब निकालूंगी जो बेसिकली फ्रीज कर देंगे रीडिंग को. टू ऑफ कप्स, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर देयर इज लव कमिंग बैक, देयर इज अ रीयूनियन, देयर इज अ रिकंसिलिएशन, देयर इज अ कॉन्टैक्ट हैपनिंग, फिर से एस्टैब्लिश होगा, फिर से चीज़ें स्मूथ होंगी, हैप्पी होंगी, खुश होंगी. सो डोंट वरी अबाउट अ थिंग, बिकॉज यू आर गोइंग टू राइज एंड शाइन. सब कुछ बहुत जॉयफुल हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, मेंटल वेलनेस रिस्टोर हो जाएगी, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ है. डेथ स्कॉर्पियो कार्ड विद ऑफकोर्स द कैंसर पाइसिन एनर्जी, विद द एक्वेरियस दैट वी हैव, लिब्रा वी हैव, कैंसर वी हैव,
चीज़ें बदल रही हैं आपके लिए, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत कुछ लेकर आने वाला है। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि आप ये समझ सकें कि अगर वो आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रयास आप भी करें, और ये आस रखिए कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, सो वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड इससे बढ़िया कार्ड नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ ट्रू, द क्वीन ऑफ कप्स। इमोशंस वुड बी एट प्ले, दे वुड कम टेल यू हाउ दे आर फीलिंग, कुड बी कैन से इन एनर्जी। और उसके साथ ये भी है कि ऑनेस्टी के साथ जो सच है, जैसा वो महसूस करते हैं या आपके लिए फील करते हैं या करती हैं, वो आकर आपको बताने वाले हैं। अगर गैप था या बात नहीं हुई, तो चीज़ें डेफिनेटली बदलेंगी। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कोई पार्टनर, तो ऐसा कोई आने वाला है जो सब कुछ सेटल करेगा आपके लिए, आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। अगर आप कपल हैं, डेट कर रहे हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो वो पर्सन बेसिकली आपको आकर बताने वाला है कि यू नो हाउ एंड हाउ दे फील फॉर यू, दे वांट टू एक्चुअली यू नो ऑनेस्टली, इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगी कि वो एक्चुअली इसको सेट करना चाहते हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं। आप मौका देते हैं कि नहीं, दैट इज़ योर चॉइस, वो आपके ऊपर है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स यहाँ बॉटम पे है मेरे पास। सो देयर इज अ सोल कनेक्शन हियर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है पीपल। सो मेक श्योर दैट यू टेक द रीडिंग सीरियसली एंड क्लेम द रीडिंग इफ यू लाइक, एंड आई शुड सी द नेक्स्ट टाइम। बाय फॉर नाउ, बाय।